मैं आज ने वीडियो की नीता आया हाँ अपने घर को बहुत ज्यादा दूर उपर जुड़ी तो नज़ारे दसने हैं ठीक है माशाल्लाह जबरदस्त तो जड़ू जनाब वाली प्रतन होया इधर बुन क्योंकि इस तो अगर और कुछ भी नहीं हो बस ये जड़ा ना हाईएस्ट जड़ा पीक पॉइंट है ना जड़ा टॉप है इस पहाड़ी ना तो बहुत ही जबरदस्त वैदर बहुत ही मज़ा आ रहा जनाब वाली और फिर अगर सर्दी लगने ना अंदेशा आया तो फिर तुसा इसकी गर्म वैदर ने भी जड़ा ना एक्सप्लोर करना इस पहाड़ी की इधर है जिसकी वजह तो है रौनक ये मैं तुम्हें पहले तारफ कराई चुकी हाँ कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करना जी सारे ठीक ठाक होसो खैरियत नाल होसो और अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ ईमान में होसो। मैं आदिल इकबाल और सुन रखने पियो लाला जी ब्लॉग्स बड़ा फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अगर तुम हमारे चैनल पर नवे हो तो लाजमी सब्सक्राइब करी ओड़ो तो अगर फेसबुक पेज पर नवे हो तो लाजमी फॉलो करी ओड़ो। अच्छा जी मैं आज ने वीडियो की नीता आया हाँ अपने घर को बहुत ज़्यादा दूर अज इधर थोड़ा जहा फिरने तुरने का इरादा आया बर्मिंगम वाले पास आया जी मगर बर्मिंगम ने बिच एक इलाका आ एक हाइट है उच्ची जगह आ पहाड़ी ने उपर जुलिया आया पिछले तक ही सकने हो गड़ी मसा पार की है वॉकिंग करना पाया तो तुसा कि दसा उपर जाइए जोड़ा व्यू है एंड जी खूबसूरती है क्या कि वक्ति जड़ा ना काफ़ी वॉकिंग करनी पैनी है तो मसा गड्डी पार करी तो हूँ निकलन लगा आया ये चढ़ाई चढ़नी है सारी ये जड़ा ये लम्बन है ठीक है जी तो बाकी इंशाल्लाह उपर जल्द गप लाने ठीक है वीडियो ना नाल रह सो तो पूरी वॉच कर सो इंशाल्लाह मज़ा आए सी ठीक है। यह पार्किंग है जनाब तक सकने हो मौसम ने सूरत हाल भी सोने सामने ही है ब्यूटीफुल वैदर है जनाब और इस वैदर ने जड़ा ना मैं बखूबी फायदा उठाने हैं उपर जुड़ी तो नज़ारे दसने हैं ठीक है जी जनाब इतना की सकने हो जी ये जंगल है जड़ा यह रस्ता जाना पे इसने बिचू और उपर जड़ा ना उच्ची जगह जाना इंशाल्लाह तो उपर जाई तो तुम दसने हैं नज़ारे जड़े खूबसूरत नज़ारे इंशाल्लाह कैलेंट हिल्स आई देखी सकने हो मसला यह है कि रास्ता थोड़ा जा गिला है तो अगर तुम नवे शू लाए दशने हो ना तो उन्हें हो जाना गंदे हैं जनाब वाली लिहाजा इतने तुम अगर रचना आया तो पूरा बंदोबस्त करी तो ठीक है बाकी लगना कोई ताज़ी बारिश हुई है लेकिन इस टाइम पर तो धुप चढ़ी हुई है बड़ा मज़े ना वैदर है बाकी जी अब तक पर्पल कलर ने जड़े फुल माशाल्लाह जबरदस्त बेशुमार हैं जी पूरा इलाका जड़ा काफ़ी बंदे आज निकले बाहर और गड्डी थल्ले पार करनी पैनी तो उपर अच्छी तरह वॉक करी तो चढ़ना पैना इधर ये चढ़ाई है जड़ी तो चलो रेसो नालों नाल इंशाल्लाह अगे जुलने जी जनाब है चेक करो जी दरख्त है जड़ा कितना बड़ा जड़ा ना ये दरख्त जड़ू जनाब वाली प्रतन होया है इधर बुन तो इसकी जड़ा चेक करो कितना पुराना और कितना बड़ा दरख्त होया उसी ये खैर अगे जुलने हिस्ट्री पढ़ सकने हो जी द ओल्डेस्ट ट्री ऑन क्लेंट दिस इंसिडेंट बीच ट्री स्टूड प्राउड ऑन क्लेंट हिल्स फॉर ओवर 250 ईयर्स वाह बाकी डिटेल खुद पढ़नी सर मेरे को टाइम शार्ट है तो मैं पहाड़ी ने उपर पहुँचना आया ये अगू इसकी कपया टुकया ने जाहिर रस्ता ब्लॉक हो गया सी ये तक तो छांगिया ने इसकी छांगिया समझ लो साड़ी जबान में ये कुछ थले डठाया बहरा ले काफ़ी अगे है रश है बंद ना उज एक और दरख्त भी है उपर वैसे वो सामने काफ़ी पुराना लगना जी जनाब तो तकी सकने हो जी तकरीबन जड़ा ना हाइट पर टॉप है जड़ी ना हिल्स ने पहाड़िया ने ऊपर बिल्कुल पहुंची आया और यकीनन इतना जड़ा व्यू से नज़र रखना पाया उसी क्लेंट हिल्स ने ऊपर मौजूद हैं जी बर्मिंगम ना ये एक साइड एरिया है ठीक है
ते काफ़ी ज़्यादा तादाद लोग इंजॉय करने पे जनाब अली मई 2024 लगा हुआ मौसम की सूरत हाल सोने सामने ही है। एक अपने फैमिलीज भी हैं मुसलमान लोग और ए तको ना ये जड़े दरख्त जबरदस्त जी ब्यूटीफुल जी जनाब अली मुकाम सामने तकी सकने जी अस बिल्कुल जड़ी हाइट है इतने मौजूद हाँ और बच्चे भी लोगों नाल आते हुए और कुत्ते बिल्ले भी नाल नाल इन्हें इंग्लिश लोगों ने तकी सकने हो और उस तो बाद जी मौसम जड़ा आ यकीन करो इस तरह का मौसम असें बहुत कम मिलना जी बहुत कम मिलना है ते अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ रही है कि वैदर है जड़ा उस साथ दिता है इस सफ़र ने बिच और इस वेले मैं बेसिकली मौजूद हाँ जी बर्मिंघम ने बिल्कुल सामने मैं तुम्हें दसना एक मिनट थोड़ा उच्ची जगह जा फिर सही नज़र आई सी चेक करो हाला सामने जरा नज़र इसना पे अगर दरख्त आई गया नस्ल ठीक है बर्मिंघम सिटी वगैरह हो गया उस तो बाद है थोड़ा जा दूर है क्लियर नज़र नहीं अच्छा लगा लेकिन यह कि वुल्वरहैम्पटन एरिया ये सामने थल किड किड मिनिस्टर शायद कोई जाने उसने माड़े व्यूवर्स मैं तो फर्स्ट टाइम इधर आया वैसे ठीक है जी वुल्वरहैम्पटन इधर अगर है जड़ियाँ पहाड़ियाँ इतों तो हर पहाड़ियाँ नज़र नहीं हैं लेकिन आबादी है बिच बेशुमार ते इस वेले एग्जैक्टली इस तरह मौजूद हाँ असं जनाब अली क्लेंट हिल्स ने उपर ठीक है और मैं कोशिश करना इतने हिस्ट्री भी अगर इन्हें लिखी भी है तो लिखे है जी एक मिनट बाकी जी सामने तक ही सकने हो क्लेंट हिंट क्लेंट हिल्स कंट्री पार्क ने बिच मौजूद हाँ असं इस वेले और ये बाकी ने इन्होंने जोड़े अतराफ ने एरियाज हैं बेशुमार हिल्स हैं जी ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिला है और सामने तक ही सकने नॉर्थ वाले पास क्या क्या मौजूद है बेशुमार हिल्स हैं वुल्वरहैम्पटन से मैं दसिया सी तक दसने के कितने फासले पर यह शहर मौजूद हैं डेडली कैसल उस तो बाद जनाब अली इधर अगर आई जाओ ए तको बेशुमार शहर ने और टाउनस ना लिखे हुए ये हिल्स ने उपरू जी दसने पे इस लोकेशन वाइज अच्छा जी इधर बंदे खलते हैं चलो इस पास अगर आई जाओ सो क्लियर नज़र नहीं इसलिए बहरहाल है कि इन्हें डिटेल ने नाल लिखे है जी सारा कुछ ये दरख्त तो मुड़े इसने उपर मजीद थोड़ी जी हाइट है हाले लेकिन असं इतनी डेरा लाई क्या माड़े नाल काफ़ी बंदे और भी मौजूद हैं जी लेकिन वीडियो ने अंदर तुम मैं गला नज़र इसका खैर ते ब्यूटीफुल नज़ारे जी माशाल्लाह दिल करना कि इतना खली ना तो बस तकने ही रहो और लुत्फ अंदोज होने रहो कोशिश करना मैं जूम इन करने नहीं जनाब अगर हो सके आता तो चलो या कि शानी किन सो जड़े समझने हो जानने हो इस एरिए की खासकर इस एरिए ने रहना है ले किकट जगह पर मैं मौजूद हूँ मौसम तो कौन जी कमाल ना वैदर है आज माशाल्लाह हवा चलनी भी है थोड़ी थोड़ी और इतना की हवा बिच अशनी आवाज अशनी उसी इसनी इस तरफ जो ले की तकने इधर क्या कोई मामलात हैं तो क्या कोई हालात हैं बाकी तो अगर इतने अच्छे हो तो रस्ता चूंकि थोड़ा गिला सी अच्छे ये तो कौन जी परिंदे अपनी मौज मस्ती लगे हुए जनाब जबरदस्त ये अपनी खुराक चुनने पे जी ठीक हो गया अच्छा जी इस पास जंगल ही लगना जी ज़्यादातर इधर तो ऊपर चलो है या बंदे जाने इस टाइम तो इस पास दरख्त हैं और जिस तरह के तुझे पहले भी मैं दसिया सी कि अपनी फैमिलीज़ मुसलमान फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा आए हुए अज मौजूद हैं ये तको थल एक इस तरह ही है मतलब दरख्त और जंगलात
लेकिन जेड़ा व्यू है सारा वो मैं कि पहले नज़ारा कराई चुके हैं। ओ या इस राइट साइड जनाब ए तको जबरदस्त, ये काफ़ी अगर रास्ता जाना है जी इस तरफ अगर, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जैसी अगर मैं इसकी कैप्चर करने की कोशिश की थी। जी जनाब ऊपर बिल्कुल टॉप ने पर मौजूद हाँ जी, काफ़ी वॉकिंग की है, मजीद उच्ची जगह पहुंची आया तो यह माड़ी बैक साइड से तकी सकने हो। ये जनाब वाली बेशमार एरियाज जड़े मैं पहले ना दसे ये सारे मौजूद हैं। ये तको ना जबरदस्त व्यू है जी, जबरदस्त वैदर है जिसकी वजह तो रौनक ये मैं तुम्हें पहले तारफ कराई चुकी हाँ कि एरियाज हैं। इस वीडियो की थोड़ी देर बाद एंड कर सा हूँ क्योंकि इस तो अगर और कुछ भी नहीं हो, बस ये जड़ा ना हाईएस्ट जड़ा पीक पॉइंट है ना जड़ा टॉप है इस पहाड़ी ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त वैदर, बहुत ही मज़ा आ रहा जनाब वाली और तुसा कि भी इंशाल्लाह तक कितना पसंद आई सी ये वीडियो। अगर तुम हमारे चैनल पर नवे हो तो एक बार फिर तुसा कि अगर तुम सब्सक्राइब करना चाहो तो तुम सब्सक्राइब करी ओड़ो जी। बाकी है कोई जगह इन्हें बनाई हुई है बेहने खलने से ए तक होना जी, हर चीज़ की हिस्ट्री वगैरह नाल लिखी भी है ने, तो डेटा चेक करो तुम 1929 तो अच्छा ये मैप है माड़े हाल जी। जनाब तुम तक क्या जी क्लेंट हिल्स ने उपर मौजूद सा बर्मिंगम ना जड़ा ना पहाड़ी सिलसिला आ थले बर्मिंगम सिटी एंड बाकी ने जड़े उसने सराउंडिंग एरियाज सारे तक और व्यू किता ने बड़ा मज़े ना जबरदस्त है जी। अगर तुम इधर रचना आया तो आई सकने हो, गर्मियों का मौसम होना चाहिए, धुप होनी चाहिए है, धुप्पे तो बगैर ना अच्छे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जानी है, ठंडी हवा चलनी पी है जी, तो तुसा कि जड़ा ना फिर अगर सर्दी लगने ना अंदेशा आया तो फिर तुसा इसकी गर्म वैदर ने भी जड़ा ना एक्सप्लोर करना इस पहाड़ी की। तो इस नाल ही इजाजत मकसा, अगर तुम माड़ी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी सब्सक्राइब करी ओड़ो माड़ा चैनल एंड फेसबुक पेज, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही खैरियत रही किसी नवी जगह पर किसी नवे व्लॉग ने नाल और किसी नवी जगह पर तुसा मिलसा इंशाल्लाह। तब तक वास्ते अपना ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तानी प्यारे ओ कोटली ते डडियाले वाले भी यूके दे विच वसदे, गुलहार शरीफ ते टांगरी वाले सच रब दा रस्ता दसदे, आशिक पा